देखो अगर जीवन रहा तो करवा ही देंगे, नहीं मर गए इसके बाद। सर क्या हो गया आपको? सर हमको हो गया कोरोना वायरस, सर हमको हो गया कोरोना वायरस, सर हमको हो गया कोरोना वायरस। महिला संबंधी अपराधों को लेकर कानपुर पुलिस का रवैया कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपने आप को चाहे कितना भी गंभीर बता ले, लेकिन उसके इस ऑडियो से साफ हो जाएगा कि वो कितनी पानी में है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, मैं समाज संघ सीमा त्रिपाठी बोल रही हूँ। हाँ। सर एक प्रियंका जी की है, कर्मा संख्या 154 में 164 के बयान होने, सर कब तक करवाएंगे आप? देखो अगर जीवन रहा तो करवा ही देंगे, नहीं मर गए इसके बाद। सर क्या हो गया आपको? सर हमको हो गया कोरोना वायरस। कोरोना वायरस हो गया आपको? कहाँ पे भर्ती हैं आप? अब भर्ती नहीं है, अपने यही बेड रेस्ट कर रहे हैं कमरे में। नहीं सर, कोरोना वायरस हुआ है तो हम लोग को भी देखने आना चाहिए ना। कानपुर में पहला मरीज पाया गया। आप परदेशी हो, आप कहाँ तक देखोगे? हम लोग तो उड़ता जो भी रमता वाली, हम लोग तो पुलिस वाले। नहीं सर सीरियस बोल रहे हैं, कोरोना वायरस सर कानपुर में पहला मरीज पकड़ा जाएगा। पहले मरीज है जो हाँ सर बताइए सर कहाँ पे देखने आ जाए? हमको अब देखने मत जाइए, हमको हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, हमारा। अरे नहीं सर, नहीं सर, हम लोग समाज सेवा करते हैं तो भाइयों को भी नहीं करेंगे क्या सर? अरे नहीं भाई, हमारा अब हमको आप छोड़ दीजिए, हमको हमारे हाल पर। ये हनुमान जी है, हनुमान जी हमारे रक्षा। हनुमान जी तो है, अभी देवियाँ भी तो है ना सर? देवियाँ कहाँ रक्षा कर, देवियाँ अपने रक्षा नहीं कर पा रही। देवी लोग अच्छा करेंगी सर? देवियाँ अपने रक्षा नहीं कर पा रही है तो हमारा मजाक नहीं सर, सीरियस बोल रहे हैं। कब तक करा पाएंगे? कब तक 164 के बयान करा पाएंगे सर आप? देखिए कब तक हमको, अब हम कोई बाध्य नहीं है, जब हमको समय मिलेगा, जब मेरा स्वास्थ्य सही है तब करवाएंगे। मैं आपके कहने से मैं कराऊंगा। सर आपका स्वास्थ्य अगर नहीं सही है तो सर मैं ऐसे सर से बात कर लूँगी, किसी और को किसी से बात कर लीजिए, आप जिससे करना कर लीजिए, जब स्वास्थ्य सही रहेगा तभी कराऊंगी। हमारे पास कोई इन्हीं का एक काम नहीं, हजार काम है, ठीक है? जी हम समझते हैं। हाँ हाँ, कोई एक ही काम नहीं है, यहाँ पर त्योहार आ रहा है, यहाँ रात दिन का चैन नहीं है, एक ही काम है। परेशान कर रहे हैं ना सर, इसलिए हम कह रहे हैं। एक महिला की छेड़छाड़ मामले में बयान दर्ज कराने को लेकर दरोगा इतने बहाने बना रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को कोरोना वायरस पीड़ित तक बता दिया। पीड़ित प्रियंका है, उसके 164 के बयान होने थे, तो जब मैंने चौकी इंचार्ज को फ़ोन करके पूछा कि 164 के बयान होने हैं सर, तो वो कह रहे हैं मैं बीमार हूँ। और मुझे, हमने कहा सर आपको क्या हो गया, तो कहते हैं मैंने कोरोना वायरस हो गया है। तो मैंने कहा सर मैं आपको देखने आ रही हूँ, बताइए कहाँ पर हैं। फिर उसके बाद वो मजाक के तौर पर पूरी बात को ले गए और उन्होंने कहा कि जब मेरी इच्छा होगी तब मैं बयान कराऊंगा, जब मुझे फुर्सत मिलेगी तब मैं बयान कराऊंगा लड़की का। किस बीमारी के बारे में बता रहे हैं? वो मुझसे कह रहे हैं मुझे कोरोना वायरस हो गया है। क्या कानपुर में ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कहा कानपुर का पहला मरीज ऐसा मुझे मिल रहा है, मुझे बताइए मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। तो वो कहते हैं कि आप मुझसे क्या मिलने आएंगे, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। हमने कहा देवियों को भी मदद चाहिए होती है तो देवी मदद कर देंगे। आकर उसमें मजाक के तौर पे उस पूरी बात को ले गए, जिसका किसी चौकी इंचार्ज को इस तरीके से बात करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक पीड़िता के लिए बात की जा रही है, 354 के उसके ऊपर मुकदमा लिखा विपक्षी के खिलाफ, उसको विपक्षी को समय दिया जा रहा है सिर्फ गिरफ्तारी से बचाने के लिए। ये तो ये एक सी कटरा का मामला है और थाना चकेरी लगता है। चौकी इंचार्ज ने, वो आईओ हैं, राम आश्रय त्रिपाठी जी हैं, वो आईओ हैं, उन्हीं से मेरी बात हुई थी फ़ोन पे। एक सब इंस्पेक्टर थाना चकेरी में नियुक्त हैं, जिनके द्वारा एक महिला से बात करते समय टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि उनको कोरोना वायरस हो गया है, इसलिए वो उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे हैं। सीओ कैंट को इस संदर्भ में भेजा गया था, प्राथमिक तौर पर ये जानकारी हुई है कि वो सब इंस्पेक्टर कुछ समय से बुखार से पीड़ित हैं, कोरोना वायरस के संदर्भ में कोई जानकारी इसकी प्राप्त नहीं हुई है। उनके द्वारा ये बात कोरोना वायरस की किस कारण से कही गई इसके संदर्भ में संबंधित सब इंस्पेक्टर का स्पष्टीकरण लिया जा रहा है और उनको एहतियातन कहा भी गया है कि कोरोना की बात आई है तो इस संदर्भ में भी उनका चेकअप करा लिया जाए। ऐसे में तो यही कहना काफी होगा कि पुलिस ही अगर महिला सुरक्षा को लेकर इस तरह काम करेगी तो महिलाओं की सुरक्षा आने वाले समय में भगवान भरोसे की। कानपुर से न्यूज़ के लिए चंद्रकांत तिवारी की रिपोर्ट।